अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ तो आज हम करेंगे पेज नंबर फिफ्टी वन क्विज यल्फ़ तो इसमें आपको क्विज पूछा गया है आपको आगे आंसर लिखना है इसका ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन है वेन वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे जो हम योगा डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो कब पहली बार कब स्टार्ट हुआ था तो आंसर है ट्वेंटी फर्स्ट जून टू थाउजेंड फिफ्टीन में इन विच स्टेट वेयर द थर्टी सिक्सथ नेशनल गेम हेल्थ इन टू थाउजेंड सेवनटीन कौन से स्टेट में थर्टी सिक्स नेशनल नेशनल गेम जो है टू थाउजेंड सेवनटीन में कौन से स्टेट में हुआ था तो स्टेट का नाम है गोवा इन विच कंट्री डू पीपल स्पीक सिन्ल्सिस तो ये जो लैंग्वेज है सिन्ल्सा ये कौन से कंट्री में स्पीक किया जाता है बोला जाता है तो आंसर है श्रीलंका विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान कौन से प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था आंसर नरेंद्र मोदी नंबर फाइव हु रॉट द बुक टू किल अ मॉकिंग बर्ड टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो बुक है वो किसने लिखा था आंसर हर पर ली नंबर सिक्स हु इन्वेंटेड टेलीविजन टेलीविजन किसने इन्वेंट किया था ठीक है तो आंसर है जे एल बरेड

नेक्स्ट है इफ़ साहिल इज ओल्डर देन अली साहिल जो है अली से बड़ा है ठीक है अली इज़ ओल्डर देन टाशी अली जो है टाशी से बड़ा है एंड टाशी इज़ यंगर देन साहिल लेकिन टाशी जो है वो साहिल से छोटा है हु इज़ द ओल्डेस्ट सबसे बड़ा कौन है इसमें से साहिल ठीक है देन क्वेश्चन नंबर टेन व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है इस्लामाबाद ठीक है नंबर एलेवन विच इज़ दार्डेस्ट सब्सटांस इन अवर माउथ जो हमारे माउथ में सबसे हार्ड सब्स्टांस कौन सा है तो आंसर इज टुथ एनिमल ठीक है दांत के जो uh, साइड में uh, जो स्किन है वो सबसे हार्ड होता है विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पेल्ड एज पैलेड्रोम इन इंग्लिश ठीक है तो इंडियन लैंग्वेज uh, में पैलिंड्रोम इन इंग्लिश जो है कौन से लैंग्वेज को कहा जाता है तो आंसर इज मलयालम क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच स्पोर्ट इज द इंडियन सुपर लीग आई एस एल एसोसिएटेड विद आई एस एल यानी कि इंडियन सुपर लीग जो है कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएट है तो आंसर इज फुटबॉल नंबर फोर्टीन विच प्लान कम्स बिटवीन मार्स एंड सैटन मार्स और सेटन के बीच में कौन सा प्लानट आता है आंसर इज जुपिटर क्वेश्चन नंबर 15 इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल यू फाइंड लेक पिचोला लेक पिचोला जो नाम है ठीक है एक लेक है वो इंडिया के कौन से स्टेट में प्रेजेंट है ठीक है तो आंसर इज राजस्थान ठीक है नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 52 वी हैव कप्स एंड गेम्स ठीक है तो इसमें आपको देयर आर सम ऑफ द पॉपुलर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ठीक है तो इसमें आपको कुछ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में बताया गया है ठीक है तो सबसे पहले है द कॉमनवेल्थ गेम इज एन इवेंट हेल्ड एवरी फोर ईयर इन विच एथलीट्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ कंट्रीज पार्टिसिपेट द कॉमनवेल्थ नेशन आर वेयर अर्लियर आ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर न्यू दिल्ली वॉज द वेन्यू ऑफ द गेम इन टू तो कॉमनवेल्थ गेम जो है इवेंट है जो हर चार साल में होता है ठीक है जिसमें एथलीट्स फ्रॉम कॉमनवेल्थ कंट्रीज पार्टिसिपेट जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होगा ठीक है उनमें एथलीट्स uh, जो होंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है द कॉमनवेल्थ नेशन जो कॉमनवेल्थ नेशंस जो है वो उन नेशंस को उन कंट्रीज uh, को कहा जाता है जो पहले ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थे ठीक है न्यू दिल्ली वॉज द वेन्यू फॉर द गेम्स इन टू थाउजेंड टेन टू थाउजेंड टेन में न्यू दिल्ली जो है कॉमन न्यू दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम जो है खेला था ठीक है नेक्स्ट वी हैव द फीफा वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप इज एन इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी फोर इयर्स तो फीफा वर्ल्ड कप जो है इंटरनेशनल ठीक है इंडिया का नहीं नेशनल का नहीं सब आ, लेकिन इंटरनेशनल सारे कंट्रीज में फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि हर चार साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है ब्राज़ील हैज़ वॉन द फीफा वर्ल्ड कप फाइव टाइम्स ब्राज़ील जो है फीफा वर्ल्ड कप पांच बार इन्होंने जीता था ठीक है उसके बाद है फीफा फीबा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप इज एन इंटरनेशनल बास्केटबॉल कंपटीशन तो फीफा जो है वो फुटबॉल कंपटीशन था जो फीबा है वो बास्केटबॉल कंपटीशन है हेल्ड एवरी फोर ईयर सिंस 1950 1950 में स्टार्ट हुआ था और हर चार चार साल में ये कंपटीशन होता है अ पेलर इवेंट फॉर द वुमेंस टीम ऑर्गेनाइज्ड इन 1953 सेम जो टूर्नामेंट uh, है वो वुमेंस के लिए खोला था वुमेंस टीम के लिए खोला था ऑर्गेनाइज किया था 1953 में एंड इज़ आल्सो हेल्ड एवरी फोर इयर्स और वो वुमेन uh, जो कॉम्पिटिशन्स है वो भी चार साल में एक ही बार होता है नेक्स्ट वी हैव द सुल्तान अजलान शाह कप इज़ एन एनअल इंटरनेशनल फील्ड हॉकी टूर्नामेंट हेल्थ इन मलेशिया तो सुल्तान अजलन शाह कप जो है वो इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट है जो कि मलेशिया में खेला जाता है इंडिया वोन द अजल शाह कप इन टू थाउजेंड टेन एंड बिकम रनर अप इन टू थाउजेंड सिक्सटीन इंडिया ने अजलन शाह कप जो है जीता था दो हज़ार दस में ठीक है और रनर अप रहे थे टू थाउजेंड सिक्सटीन में ग्रेट ब्रिटेन वन द कप इन टू थाउजेंड सेवनटीन ब्रिटेन जो है उन्होंने ये हॉकी जो टूर्नामेंट है वो जीता था टू थाउजेंड सेवनटीन में नेक्स्ट वी हैव द ओलंपिक गेम्स इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड एवरी फोर ईयर द फाइनेस्ट एथलीट ऑफ द वर्ल्ड गैदर टू कंपीट अगेंस्ट ईचा द द ओलम्पिक एट्रैक्ट एथलीट फ्राम ओवर टू हंड्रेड नेशन द टू थाउजेंड एट बीजिंग ओलम्पिक इन चाइना वी आर रेटेड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव ओलम्पिक एवर तो ओलंपिक गेम जो है वो हर बहुत ही स्पोर्टिंग इवेंट है जिसमें सारे एथलीट्स जो है अच्छे अच्छे एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं ठीक है तो ओलंपिक जो गेम है तो ओलंपिक में दो हैं टू हंड्रेड टू हंड्रेड नेशन से ज़्यादा भी कंट्रीज से एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था चाइना में वो सबसे एक्सपेंसिव ओलंपिक रहा था ठीक है इस साल ओलंपिक हुआ है टोक्यो में ठीक है सबने सुना होगा ठीक है Next, we have Wimbledon. It is the oldest tennis tournament in the world since 1877. It is played at All England Croquet and La Lawn Tennis Club in Wimbledon, London. It is one of the uh, one of the four Grand Slam uh, tennis tournament and is played on grass court. The Wimbledon, जो is the oldest टेनिस टूर्नामेंट है वर्ल्ड में ये स्टार्ट हुआ था 1877 में ठीक है और इज इस प्लेड एट द ऑल इंग्लैंड क्रॉकेट एंड लॉन टेनिस क्लब इन विम्बलिडन ठीक है तो यहाँ पे इस जगह पे लंडन में विम्बलिडन करके जगह है ठीक है वहाँ पे ये टूर्नामेंट खेला जाता है यहाँ पे जो है इट इज़ द वन ऑफ द फोर ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यहाँ पे जो है सबसे फोर्थ ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है ठीक है और ये जो है ग्रास पे खेला जाता है उसके बाद है पैरालंपिक गेम्स इज अ मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट इन विच एथलीट्स वेयर विद फिजिकल डिसेबिलिटीज कम्पीट विथ कम्पीट इन वेरियस इवेंट तो पैरालंपिक गेम्स जो है ये जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट है ठीक uh, है इनमें वो एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं जो फिज़िकली डिसबल्ड है ठीक है दिस गेम्स आर स्प्लिट इन टू समर एंड विंटर गेम्स ये जो गेम है समर और विंटर्स में अलग अलग होता है एंड ऑल्टरनेटि ऑल्टरनेटि अकोर्स एवरी टू ईयर्स और ये ऑल्टरनेटि चलता है ठीक है मतलब कि इस साल अगर समर में हुआ तो अगले साल विंटर में होता है ठीक है स्प्रिट इन मोशन इज द मोटो ऑफ द पैरालंपिक स्पोर्ट्स मूवमेंट तो स्प्रिट इज इन मोशन जो है इनका मोटो है पैरालंपिक स्पोर्ट मूवमेंट का ठीक है नेक्स्ट वी हैव द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी टी ट्वेंटी सुना होगा क्रिकेट में इज़ ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये ऑर्गेनाइज किया था आई आई सी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ठीक है द फर्स्ट आई सी सी वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी वो वर्स हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन टू थाउजेंड सेवन ठीक है तो, आ, जो सबसे पहले आई सी सी वर्ल्ड कप हुआ था टी ट्वेंटी का वो साउथ अफ्रीका में दो हज़ार सात में हुआ था इन अ शॉर्ट A time the competition has become a popular particularly in India तो बहुत ही कम समय में ये जो competition है बहुत ही popular हुआ और in India सबसे ज़्यादा जो है India में ये particularly popular हुआ था ठीक है okay quick quiz यहाँ पे आपको पांच क्विज uh, के क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है मैं रीड कर रही हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर वन विच टीम वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन टू थाउजेंड एटीन फीफा वर्ल्ड कप जो है टू थाउजेंड एटीन में किसने जीता था तो आंसर इज फ्रांस इन विच कंट्री विल द टू थाउजेंड एटीन विंटर ओलंपिक बी हेल्ड विंटर ओलंपिक टू थाउजेंड एटीन जो है वो कहाँ पे खेला जाएगा कौन से ए जगह पे खेला जाएगा तो आंसर इज साउथ कोरिया विच ट्वेंटी वन ग्रेंड टूर्नामेंट इज कंसिडर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट बाईसाइकिल रेस इन द वर्ल्ड तो uh, कौन सा टूर्नामेंट जो है वो सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट बाईसाइकिल साइकिल रेस ठीक है बाईसाइकिल मतलब साइकिल का रेस माना जाता है वर्ल्ड में तो वो है टोर दी फ्रांस ठीक है नंबर फोर विच वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आई ओ सी आई ओ सी का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी विच टीम वॉन द हाइस्ट नंबर ऑफ मेडल एट टू थाउजेंड एटीन कॉमनवेल्थ गेम्स इन गोल्ड कोस्ट ठीक है तो टू थाउजेंड एटीन में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें सबसे ज्यादा मेडल कौन से कंट्री ने लिया था ठीक है तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया ओके नेक्स्ट ऑन पेज नंबर फिफ्टी टू फिफ्टी फोर वी हैव जूडो जे डी ठीक है इसमें क्या होगा इंटरेस्ट इन बींग अ जूडो जेडी हियर आर फ्यू फैक्ट्स अबाउट द गेम्स जूडो मीन्स द मीनिंग द जेंटल वे इन इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स विच बिगिन इन जपैन द एम ऑफ द गेम इज टू थ्रो पिन डाउन एंड मास्टर योर ओपोनेंट ठीक है तो जूडो uh, जेडी में आप लोगों को इंटरेस्ट है पूछा गया है यहाँ पे ठीक है तो इसमें कुछ इस गेम के बारे में कुछ फैक्ट्स बताया गया है ठीक है जूडो का मतलब है जेंटल वे ठीक है प्यार से बहुत ही अच्छे वे में इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्शल मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है विच बिगेन इन जापान जो कि स्टार्ट हुआ था जापान में ठीक है द एम ऑफ द गेम इज़ टू थ्रो पिन डाउन एंड मास्टर योर ओपिनियन द जो इसका एम है वो जो आपका ओपिनियंट है उसको थ्रो करना या नीचे दबाना ठीक है और अपना आ, अपने ओपोनेंट का मास्टर बनना है होता है ठीक है टिट बिट्स कानो जिगारो मार्क द बिगिनिंग ऑफ जूडो एज द मॉडर्न स्पोर्ट्स बाय एस्टैब्लिशिंग हिज कोडाकन स्कूल ऑफ जूडो इन 1882 तो कानो जिगारो जो है उन्होंने ये जूडो जो गेम है स्पोर्ट्स है वो स्टार्ट किया था ठीक है Uh, अपने स्कूल में कोडाकन स्कूल कोडाकन स्कूल उनका स्कूल ना, का नाम है ठीक है ऑफ जूडो इन 1882 कौन से साल में 1882 में ठीक है ओके नेक्स्ट आ जूडो अबाउट टेक्स टेक्स प्लेस इन दी इन एट टू एट इंटू टेन मीटर कंटेस्ट एरिया तो जूडो जो है वो एट इंटू टेन मीटर कंटेस्ट एरिया में खेला जाता है ठीक है इट हैज़ टू पार्ट्स दो पार्ट है द डेंजर एरिया इज़ द एक्चुअल बाउट टेक्स प्लेस डेंजर एरिया वो हो वो होता है जहाँ पे जो एक्चुअल फाइट जो है वो खेला जाता है ठीक है थ्री मीटर वाइड सेफ्टी एरिया सराउंड द डेंजर एरिया जो डेंजर uh, एरिया है उसके आसपास थ्री मीटर सेफ्टी एरिया सराउंड करता है ठीक है यहाँ पे ये वाला जो है सेफ्टी एरिया है ठीक है इट इज़ मार्क्ड बाय वन मीटर वेर वाइट रेड बैंड ठीक है तो इसको वन uh, मीटर के करीब मोटा बनाया जाता है इस रेड बैंड को ठीक है ओके और बताया गया है इसमें द स्कोरर्स एंड टाइम कीपर्स आर टेक केयर ऑफ़ द स्कोर्स एंड टाइम अबाउट टाइम ऑफ द बाउट ठीक है तो स्कोरर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे स्कोरर्स और टाइम कीपर्स जो टाइम देखते हैं वो सब बैठते हैं द स्कोर बोर्ड डिस्प्ले द स्कोर्स, यहाँ पे जो बोर्ड है वहाँ पे स्कोर जो है वो डिस्प्ले किया जाता है ठीक है अ मेडिकल टीम हैज़ टू बी प्रजेंट टू अटेंड टू द जुडाकाज इन केस ऑफ इंजरी अगर किसी को इंजरी होता है तो मेडिकल टीम भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है द रेफरी एंश्योर दैट द बाउट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द गेम यहाँ पे जो इंसान बैठा हुआ है वो रेफरी होता है ये चेक करते हैं कि आ, गेम में कोई रूल तो ब्रेक नहीं कर रहा है ठीक है द कंटेस्टेंट कॉल द जुडाकास फाइट विद इन द डेंजर एरिया ये जो एरिया है यहाँ पे जो जुडाकास मतलब जो फाइट कर रहे हैं वो यहाँ पे इस एरिया में फाइट करते हैं ठीक है द जज एस इज द रेफरी यहाँ पे एक इंसान बैठता है जो कि ठीक है दो इंसान इस कोने में एक एक कोने में ठीक है दो इंसान कोने में कोने में रखा गया जाता है ताकि ये जज कर सके कि रेफरी सही आ, सही तरीके से रेफरी कर रहा है कि नहीं ठीक है ओके कोम्बत स्पोर्ट्स आर टफ इन दिस स्पोर्ट्स द कॉम्पिटिटर्स हैव टू फाइट ईच अदर वाइल्ड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ दी गेम ठीक है तो कॉम्ब्स कॉम्ब स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ही टफ होता है इनमें जो कॉम्पिट इन स्पोर्ट्स में जो कॉम्पिटेटर्स होता है वो एक दूसरे के साथ फाइट करता है और रूल uh, के हिसाब से ही ये फाइट होता है ठीक है पेज नंबर फिफ्टी फोर यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल जूडो कॉम्पिटिशन इज द वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप ठीक है वर्ल्ड जूडो चैम्पियनशिप जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल इंटरनेशनल जूडो कॉम्पिटिशन हुआ था दिस कॉम्पिटिशन इज हेल्ड एवरी टू ईयर्स ये जो कॉम्पिटिशन है वो हर दो साल में खेला जाता है द थर्टी फर्स्ट कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान इन टू थाउजेंड फिफ्टीन टू थाउजेंड फिफ्टीन में जो थर्टी फर्स्ट कॉम्पिटिशन है जूडो का ठीक है वो खेला गया था अस्ताना कजाकिस्तान में ठीक है टिट बिट्स सलाम बाम इज अ वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट फ्रॉम तमिलनाडु इंडिया the word 'asilambam' refers to the bamboo staff, a crucial weapon in this style. तो सलाम जो है एक वेपन के साथ खेला गया जाता है ठीक है ये एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है जो कि तमिलनाडु इंडिया में खेला जाता है ठीक है सलम का मतलब ही बैम्बू स्टफ़ है ठीक है और ये जो बैम्बू स्टिक्स है वो एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट ऑन पेज नंबर फिफ्टी फाइव वी हैविट वि जूडो कंसिस्ट ऑफ मैनी काइंड ऑफ होल्ड ठीक है जूडो में जो है बहुत अलग अलग तरीके का होल्ड होता है जिनमें विच जूडो को परफॉर्म एन टू अनबैलेंस द ओपोनेंट इसमें क्या करता है कि uh, जो प्लेयर्स है वो uh, एक दूसरे को अनबैलेंस करने की कोशिश किया करते हैं ठीक है देर आर मोर देन फोर्टी होल्ड्स अलग अलग तरह के चालीस होल्स होते हैं ठीक है होल्ड द जूडो को वेयर वाइट जुड़ जुडोजी वाइल्ड प्रैक्टिसिंग जूडो ठीक है जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो प्लेयर्स है वो वाइट कलर के जुडोगी पहनते हैं ठीक है अ जुडोगी इंक्लूड्स अ जैकेट ट्राउजर एंड अ बेल्ट तो जुडोगी जो ड्रेस है उसमें एक जैकेट एक ट्राउजर और एक बेल्ट होता है द कलर ऑफ द बेल्ट शोज द जुडोकस लेवल ठीक है तो कलर जो है बेल्ट का जो कलर है वो शो करता है जुडाका का लेवल की कौन से लेवल में पहुंचा है वाइट बेल्ट आर वॉर्न बाय द नोविक्स एंड द ब्लैक बेल्ट आर वॉर्न by द मास्टर्स जो स्टार्टिंग में जो स्टार्टर्स है ठीक है बिगिनर्स है वो वाइट बेल्ट पहनते हैं और जो मास्टर्स होते हैं वो ब्लैक बेल्ट पहनते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट okay, नीचे है नेम दिस कॉम्बिट स्पोर्ट्स यहाँ पे आपको कुछ स्पोर्ट्स के फोटोग्राफ दिया गया है आपको इसके नाम बताना है ठीक है तो नंबर वन इज कलारी पायातू पायातू ठीक है नंबर टू इज बॉक्सिंग नंबर थ्री इज रेस्लिंग ठीक है नेक्स्ट ऑन पेज नंबर फिफ्टी सिक्स वी हैव स्टार्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड बिजनेस वर्ल्ड के जो uh, नामी लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है नंबर वन बिल गेट्स इज़ वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी ठीक है तो बिल गेट्स जो है वो को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट का ठीक है सबने कंप्यूटर में पढ़ा होगा माइक्रोसॉफ्ट ठीक तो, uh, है तो माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर है द वर्ल्ड लार्जेस्ट पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी जो कंप्यूटर uh, में सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट ठीक है उस कंपनी का ये मालिक है ठीक है ही इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन सबसे रिच पर्सन है पर्सन है ही एंड हिज वाइफ मिलिंद गेट्स आर ऑल्सो द फाउंडर ऑफ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन विच टेक्स वेरियस काइंड ऑफ चैरिटेबल वर्क अराउंड द वर्ल्ड ये और बिल uh, गेट्स और इनकी वाइफ मिलिंदा गेट्स जो है वो uh, वो फाउंडर है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भी ठीक है और ये बहुत सारे वर्ल्ड uh, के अलग अलग जगहों पे बहुत सारे चैरिटेबल वर्क करते हैं ठीक है नेक्स्ट वी हैव रतन टाटा वाज़ द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप ठीक है टाटा ग्रुप के ये चेयरमैन है वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस हाउसेस इन इंडिया इनका इंडिया में बहुत सारे बिजनेस हो अभी भी है ठीक है ही इज़ द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ द फाउंडर जमशेद जी टाटा ठीक है तो ये आ, पोते हैं जमशेद जी टाटा के ठीक है अंडर रतन टाटा गाइडेंस टाटा मोटर्स लॉन्च द वर्ल्ड चिपेस्ट कार इन 2009 नैनो ठीक है तो अंडर रतन टाटा इनके आ, निगरानी में टाटा मोटर्स ने एक सबसे आ, चीपेस्ट कार 2009 में बनाया था जिनका आ, जो कार का नाम है वो है नैनो ठीक है नेक्स्ट वी हैव नारायण मूर्ति इज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट तो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट uh, है इंडस्ट्रीज चलाते हैं ठीक है ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस लीडिंग इंटरनेशनल आई टी कंपनी बेस्ड ऑन इंडिया ठीक है तो ये जो है नारायण मूर्ति जो है वो इन्फोस जो इंडिया का लीडिंग इंटरनेशनल आई टी कंपनी वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल लीडिंग कंपनी आई टी कंपनी है ठीक है जो कि अभी इंडिया में है ठीक है ये ए उनके मालिक है फॉर हिज क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज ही सपोर्ट ऑफ मैनी सोशल कॉजेस एंड प्रमोटिंग इंडिया इंटरनेशनल इंटरनेशनली हीज़ रिसिव मैनी अवॉर्ड इंक्लूडिंग द पाथमा विभूषण ठीक है तो ये इंडिया के लिए बहुत सारे काम करते हैं ठीक है और इंडिया को इंटरनेशनली प्रोमोट करते हैं इसी इनके इसी काम को देखते हुए इनको पद्मा विभूषण अवार्ड भी मिला था ठीक है? हैज uh, brought अबाउट न्यूमरस इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग स्टीव लीडरशिप मॉडल एंड यूनिक बिजनेस आइडिया हैव इंस्पायर्ड मैनी बिजनेस लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन तो स्टीव जॉब और जॉब्स एंड स्टीव वोजनैग जो है इन एप्पल कंपनी के मालिक है ठीक है एप्पल जो है आजकल के, -के ज़माने में बहुत ही इनो इनोवेटिव पर्सनल कंप्यूटिंग है ठीक है फ़ोन है मोबाइल फ़ोन है ठीक है तो स्टीव ने अपना अलग सा मॉडल बनाया अ, अपना बिजनेस आइडियाज़ दिया ठीक है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है इनसे इंस्पायर हुए थे ठीक है तो मजुमदार शॉ इज द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, मजुमदार शॉ जो है बाइकॉन कंपनी का फाउंडर है ठीक है ये इंडिया का सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है शी इज ऑल्सो आ फिनोलोट्रॉपिस एंड अन आर्ट कलेक्टर ये जो है फिनोलोट्रॉपिस्ट यानी कि Uh, ऐसा इंसान जो पोर्स की हेल्प an करता है ठीक है एंड एन आर्ट कलेक्टर और आर्ट भी कलेक्ट करता है शी हैज़ बिन अवॉर्डेड ऑनरे डॉक्टरेट फॉर फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड इनको ऑनरी डॉक्टरेट का अवार्ड भी मिला था ठीक है फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटी बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटी से अराउंड द वर्ल्ड. Uh, next we have in 1995 sergey uh, Brain and the larry page were students of stanford, uh, stanford university when they created a search engine in 1998 a company google inc was set up today google is not only the most successful search engine on the world wide web but it also uh, ऑफ़र सेवरल अदर इंटरनेट रिलेटेड सर्विस तो 1995 में सरजे ब्रेन और लैरी पेज ने ये एक स्टूडेंट्स थे ये स्टूडेंट्स थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ठीक है इन्होंने एक सर्च इंजन क्रिएट किया था जो कि नाइन्टीन uh, नाइन्टी में गूगल कंपनी में सेट uh, किया था ठीक है आज आजकल जो है सारे इंसान जो है सारे लोग गूगल का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं और गूगल जो है वो सबसे सक्सेसफुल सर्च इंजन भी है ठीक है ओके नेक्स्ट वी हैव जेफ बिजोस इज़ फाउंडर ऑफ एंड सी ओ ओ सी ई ऑफ अमेजोन डॉट कॉम जेस बिजोस जो है फ़ाउंडर और सी ई ओ है अमेजोन डॉट कॉम का द कंपनी स्टार्टड एज एन ऑनलाइन बुक सेलिंग मार्केट प्लेस सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था अमेजोन इसमें सिर्फ बुक सेल किया जाता था एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट आज कल अमेजन में सब सब कुछ मिलता है ठीक है दिस मॉडल ऑफ बिजोज रिवोल्यूशनइज द कंसेप्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन एंड ऑल्सो नॉन एज ई कमर्स तो इनका जो ये कंसेप्ट है ऑनलाइन बेचना और सेल कर खरीदना और सेल करना ये इस कन्सेप्ट को हम ई कमर्स कहते हैं ठीक है नेक्स्ट वी हैव कुछ

ओके क्वेश्चन नंबर थ्री विच इंडियन एंटरप्रेन्योर इज़ द को फाउंडर ऑफ वेबसाइट होटमेल कौन सा इंडिया का एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस मैन मतलब बिजनेस मैन जो है वो को फाउंडर बने थे वेबसाइट होटमेल का तो आंसर इज़ शबीर भाटिया नंबर फोर हु वॉज द फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फाउंडर कौन है धीरूभाई अंबानी ठीक है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर इज नॉट एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर कंज्यूमर गुड फ्लिपकार्ट ओला एंड स्नैपडील इनमें से कौन जो है कौन सा जो है वो इंडियन एंटरप्रेन्योर ने नहीं खोला था इज़ नॉट एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर कंज्यूमर गुड ठीक है तो लोगों को कंज्यूमर गुड मतलब जो हम रोजमर्रा में यूज़ करते हैं ठीक है वहाँ यहाँ ये यह जो है कौन से इन तीनों में से कहाँ पे नहीं मिलता है ठीक है तो फ्लिपकार्ट ओला एंड स्नैपडील तो आंसर इज़ ओला ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक अपने जो वर्कशीट है वो कंप्लीट करना है ठीक है थैंक यू सो मच